कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कस्टडी में है और आज यानी कि गुरुवार को रिमांड पूरी हो रही है। हिरासत पूरी होने के बाद सीएम की राव जीवनी कोर्ट में पेशी है। अब देखना होगा कि सीएम केजरीवाल को राहत मिलती है या ईडी की कस्टडी और बढ़ती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गुरुवार को राव जीवनी कोर्ट में पेशी है। केजरीवाल कथित शराब घोटाले मामले में ईडी की कस्टडी में है। वहीं वो 28 मार्च तक यानी कि आज तक ईडी की कस्टडी में है। केजरीवाल को राहत मिलती है या ईडी की कस्टडी ऐसे ही जारी रहती है, कोर्ट इस पर फैसला देगी। स्पेशल जज कावेरी बालवेजा को कोर्ट ने मुख्यमंत्री की पेशी है। मामले की सुनवाई चल रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि एक बयान राघव मंगुटा का है, वो मेरे पास जमीन मांगने आए थे तो मैंने कहा कि जमीन एलजी के अंडर आती है। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछा गया कि मुझसे मिले, बेटे की गिरफ्तारी से बाप टूट गया और बयान बदल लिए। बाद में बेटे की जमानत भी हो गई और वो सरकारी गवाह बन गए, यानी मिशन पूरा हुआ। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी अभी तक 31,000 पेज जमा कर चुकी है, मेरा सिर्फ 4 बयानों में जिक्र आता है। पहली सी अरविंद केजरीवाल, वो मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा कि मेरी मौजूदगी में मनीष सिसोदिया को डॉक्यूमेंट्स दिए गए। मुझे क्या पता कौन क्या दे रहा है, मेरे पास ढेरों विधायक आते हैं, डॉक्यूमेंट्स देते हैं, तो क्या ये एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त है? केजरीवाल कोर्ट में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ईडी के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छे माहौल में पूछताछ हुई। ये केस 2 साल से चल रहा है, मुझे गिरफ्तार किया गया है जबकि मुझे किसी कोर्ट में दोषी नहीं ठहराया गया है। आपको बता दें कि ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। 22 मार्च को कोर्ट ने 28 मार्च तक के लिए एक अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत में भेज दिया था। तो वहीं बुधवार को अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दावा किया था कि आज कोर्ट में पेशी के दौरान अरविंद केजरीवाल कथित घोटाले से जुड़ा बड़ा खुलासा करेंगे। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।